गाइस यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है, चूल्हा बहुत भारी लग चुका है और बिना पूछ के लेके आया था। और इस तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय पार्ट सेकंड, जो कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमने यहाँ पे कैसे पहुंचे, हमने क्या किया, जंगल का सफर कैसे किया, कैसे पेड़ पौधे देखे और महादेव जी के आपको दर्शन कैसे करवाए, सारी वीडियो सारी जानकारी उस सेकंड पास्ट फर्स्ट में दे दी थी। अगर यदि आपने पास्ट फर्स्ट नहीं देखा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से पास्ट सबसे पहले फर्स्ट देखिए ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैगी हम कैसे बनाते हैं पहाड़ों में, और इस पहाड़ों में हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि एक कैमरा मैन है भरत और प्रदीप से मैं आपको पहले से मिलवा चुका हूँ। जंगल का पूरा अपना व्यू भी पहले देख चुके हैं आप, कैसा है, कैसा व्यू था, हम नीचे से कैसे ऊपर आए, ये देखिए पूरी बड़े बड़े पहाड़ और बीच में बिल्कुल पतली पतली रोड, मतलब सड़क इसको कुछ भी बोलते हैं, हम उस पर कैसे चढ़ के आए थे हम तीनों। और ये देखिए लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही है मैगी बनने के लिए, हमारा चूल्हा भी कैसे बनता है हम आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो पे बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो भाई हमें चूल्हा बनाने के लिए पत्थर चाहिए, तो जब हम तीन पत्थर तो ले जा चुके हैं, हम चौथा पत्थर ले जा रहे हैं और उसके लिए भी हमें एंगल देखना पड़ता है पत्थर का कैसा चूल्हा बनता है, क्योंकि मारवाड़ में सारे देसी लोग हैं कैसे भी बना सकते हैं चूल्हा वगैरह, उनके लिए एक्सपीरियंस के लिए पत्थर वगैरह बेस्ट पत्थर वगैरह चाहिए। सारे आप पत्थर देख लीजिए, यहाँ पे तो दुकान तो है नहीं तो, और हमें ईंट मिल चुकी है इसी के साथ, उनको लेकर वहाँ चलते हैं। आइए हम बताते हैं कैसे रखते हैं साथ में ऊपर। देखिए हमारा चूल्हा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा ऊपर है क्योंकि हमें चूल्हा बनाना नहीं आता है, और ये माया हम लेके आए थे साथ में भगूना इसको बनाने के लिए, इसके अंदर अभी हम मैगी बनाएंगे। आप देखिए नहीं लग रहा है इसको, तो फ्रेंड ये लोकेशन ठीक है, ये सेट हो चुका है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से, इसके हम अंदर डालेंगे पानी, फिर मैगी मसाला वगैरह सारा क्लियर करेंगे। आप बने रहिए वीडियो पे। गाइस यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है, लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, लकड़ी कैसे तोड़ते हैं ये देखिए गाइस, बिल्कुल आपको बताएगा लकड़ी कैसे तोड़ दो, पत्थर लीजिए लकड़ी लीजिए। तो गाइस वो टूट चुकी है लमसम, ये देखिए फ्रेंड्स ये देसी आइडिया लकड़ी तोड़ने का। भाई अभी हम चालू करते हैं गाइस, हमें यहां पर लकड़ियां नहीं मिल रही है, हम मैं वहां तक गया था नीचे तक लेकिन फिर भी हमें नहीं मिली, और ये एक लकड़ी लेकर आया था युगल, ये वाली बस, इसमें काम तो नहीं हो पाएगा ये, पर ये पिन बोल रहे हो जाएगा, तो देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। भरत इतनी मुश्किल से इतनी लकड़ियाँ और लेके आया है, ये सारी फ्रेंड्स हमने कई से लकड़ियाँ इस जंगल से तोड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं है, और ये लकड़ियाँ जो पड़ी हुई थी गिरी हुई थी वही हमने लकड़ियाँ ली है, कहीं से भी नहीं तोड़ी है, और इसमें से और सारी इसमें गीली लकड़ी एक भी नहीं है, सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं ये देखो। और अभी हम चालू करेंगे गैस, प्रदीप पानी डालेगा इसके अंदर, देखिए मैगी के अंदर पानी डाल चुका है फ्रेंड्स ये, तो और डाल भाई, और पानी की और ज़रूरत है, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास ऐसे पानी के दो लीटर की बोतल और है, इस बार हम पानी बहुत ज़्यादा लेके आए थे, तो ये लो पानी और डालो थोड़ा सा। तो गाइस बहुत जल्दी आग लग चुकी है, ये देखिए सर गाइस आग बाहर जल रही है, इन्होंने ऐसे तो सेट किया है सिस्टम पूरा, अंदर की लकड़ी तो एक भी नहीं जली है। इस चूल्हा तो यहाँ पे लग चुका है देखिए, और पानी भी गर्म होने की पूरी तैयारी है, और लकड़ियाँ थोड़ी हमारे पास एडवांस है, ये देखिए भरत मैगी का सामान, लाल हरी मिर्च और साथ ही मैगी, मैगी की अनबॉक्सिंग होगी अभी, और युगल मिर्ची टमाटर काटेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, और सर सारा काम है गाइस करना ही पड़ेगा अभी, बाकी का मिर्च लेके आया ये उसके खाने के लिए ओनली, और हमारे पास मैगी के पाउच पड़े हुए हैं चार, उसके अंदर पानी वो रहा उधर, चूल्हा वगैरह उधर चल रहा है, और इधर देखिए इसको पूरी बारीकी से काटेंगे हम, ये मिर्च भी पूरी सड़ी सड़ी लेके आए जो कट नहीं रही है, लाल लग रही है पर अंदर से पूरी लाल नहीं हरी, पर गाइस इनको कौन ये बताए, इन्हें कभी जिंदगी पहली बार तो ये मिर्च काट रहा है और मुझे सिखा रहा है, इसकी शक्ल देखिए आए एक बार, शक्ल की तरह 12 बज रही है, ये इतनी बड़ी मिर्च कौन खाएगा भाई, ये देखिए गाइस। फाइनली फ्रेंड्स चूल्हा तो लग चुका है, और पहले वाला सेट नहीं हुआ था इसके, मतलब इसको भगुनी को थोड़ा सा नीचे किया है,
और ये घर से मैं मतलब बहुत ही मुश्किल से भगुनी चाय बनाने वाली बचा के लेके आया था। ये पूरी नीचे से देखिए ब्लैक हो चुकी है ये, और घर पे तो मतलब डांटेंगे ही। फ्रेंड्स अभी देखिए पानी गर्म हो चुका पूरा, जिसके अंदर मिर्च डाल दी, बारीक मत कर। तो फ्रेंड्स मैगी डाली है, देखिए ये मैगी अंदर डाल चुकी है पूरी, साथ ही हम खाने वाले हो चुके हैं। यहाँ पर खाली एक ही डर है, चूल्हा अंदर ना गिर जाए, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट लगा चक्कर रखा है। और लकड़ी तो बहुत ही मुश्किल से मिली भी नहीं रही है यहाँ पे, और गाइस लकड़ी यही है हमारे पास। कच्ची मैगी खाने में भी बहुत मजा आता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैगी भी लमसम गर्म हो रही है और पानी पूरा जलने तक हम वेट करेंगे मैगी का। और आप किस किस को मैगी बनाने आती है आप कमेंट में बताइए मुझे। लकड़ी की बहुत कमी है, क्या पता इसके अंदर काम हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। मैगी मसाला निकल रहा है, इसके अलावा हमने मिर्च डाली और उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है डालने को। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर। गाइस मैं खाऊंगा सूखा मसाला, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है मसाला। अभी मत डाल। तो गाइस इसको बहुत ही जल्दी एक मैगी खाने की, एक इसको पूरा पानी को बाहर निकाल रहा है, ये चूल्हा पहले से जल नहीं रहा है और बंद कर रहा है उसको। गाइस मैगी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है, मैगी को तो मुझे लग रहा है पूरी आ चुकी है, और मैं दो दो चम्मच से मैगी को हिला रहा हूँ देखिए, और ज़्यादा मैं हिला नहीं सकता ताकि मैगी पूरी नीचे गिर सकती है। लकड़ियाँ वगैरह है नहीं, वो पर भी लकड़ियाँ हिला रहा है अंदर लगाएंगे। और भरत बहुत ही श्रद्धा से मैगी बना रहा है, लकड़ियाँ वगैरह का इंतजाम हुआ है। थोड़ा सा मसाला हमने पहले डाल दिया था, हम क्लिप वाला भूल चुके थे, और अभी थोड़ा सा हम और डालेंगे। ये देखिए आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा। मैगी देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स मैगी देखिए पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, लकड़ी वगैरह तो हमें यहाँ पे मिली नहीं और बहुत ही मुश्किल से मिली है, जितनी मिली है हमें उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी एक एक करके दे रहे हैं हम, बाकी का मसाला बचा हुआ सारा मैगी मसाला डाल दिया अंदर। और हमने जंगल वाली मैगी हम पहली बार खा रहे हैं, कहीं बैठे बैठे बना के। और टमाटर लाया था एक भरत और बोलता है इसके अंदर नहीं डालेंगे ऐसे वैसे, तो ये खा गया पूरा का पूरा। चूल्हा बहुत भारी लग चुका है और अभी मैगी निकलेगी, वो देखिए सर मैगी पूरी अच्छे तरीके से निकल चुकी है और बनने भी आ गई है। थोड़ा सा पानी और है वो जल जाए और फिर हम मैगी खाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, हम आपको वो भी बताएंगे सीन। तो गाइस मैगी तो हमारी बन चुकी है, पानी ज़्यादा डाल दिया था और अभी हम खाने वाले हैं, चूल्हा तो लग ही रहा है। तो फ्रेंड्स हमारी मैगी बन चुकी है और अभी हम पहले तीन प्लेट के अंदर लेंगे, और दो जने और है उधर, उनको भी मैगी खिलाएंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो भी आ गए हैं इसी ब्लॉग में, मतलब साथ आए हैं तो हमारे इसी ब्लॉग में हमारे साथ हैं। और पहले हम लेके हम ट्राई करते हैं मैगी। तो फ्रेंड्स बर्तनों की हालत बहुत मतलब देखिए बहुत ही गंभीर हो चुकी है, बर्तन हमें भी धोने पड़ रहे हैं क्योंकि चूल्हा हमारा सही नहीं था, उसी कारण से बर्तन पूरे काले हो चुके हैं। घर पर हम ऐसे तो ले जा नहीं सकते, इसलिए हम इसको पूरा पहले था वैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यूग बर्तन धो रहा है और पिन चमचे धो रहा है, और मैं इधर हेडपंप मिला रहा हूँ, और पिन्नू खाली मोए मोए कर रहा है सुबह से। पिन्नू एक बार और कर दे मोए मोए। और फ्रेंड्स अभी हम भगवान के धूप लगते हैं और उतरते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स मैगी वगैरह सारी बना ली है, कंप्लीट खा भी ली है तीनों ने, और रख भी दिए उन लोगों के लिए, और साथ ही भगवान के धूप वगैरह सारा दे दिया है। और आप वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक्स। और अभी हम जा रहे हैं नीचे उतरेंगे, और इसका पहले वाला व्लॉग में हम ऊपर चढ़े थे वो आपको व्लॉग बना दिया, जो कि पार्ट फर्स्ट था। आप उस व्लॉग को अगर नहीं देखा है आपने सबने तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पहले वो जाइए वो व्लॉग देखिए आप। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक्स, बड़ा दिल से थैंक्स। और लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय महादेव, जय बाबा, केदार।